तो मुझे लगता है कि इसके पास कोई बड़ा सपोर्ट है। देखिए हमारे पास आंखें हैं, दिमाग है, सब कुछ है, यूज भी करना चाहिए, कि इसके पास ऐसा कौन सा सपोर्ट है जो ये अभी तक हमारे हिंदुस्तान में एक आजाद पंछी की तरह बैठी हुई है। एक चीज, दूसरी चीज, कोई भी जांच सामने नहीं आ रही है, ना कोई जांच का पता चल रहा है। और रही बात जो गुलाम हैदर जो एक पिता है, वो बिल्कुल सही बात है कि किसी को हक नहीं बनता कि अपने बच्चों को, किसी के बच्चों को उसके बाप से अलग करे या माँ से अलग करे, लेकिन यहाँ थ्योरी ही दूसरी है। क्योंकि देखिए मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये बहुत बड़ा ही एक जो है एजेंडा है जो ये लेके आई है, अभी सामने नहीं आया है। और मैं ये चाहती हूँ, मेरी ये अपील है सरकार से भी कि हम लोग चाहते भी नहीं है कि सामने आए, क्योंकि उससे पहले इनको जांच करके इसके सारे मंसूबों पे पानी फेर देना चाहिए और इसको ये सजा की तो हकदार है ही। और दूसरी बात, ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए कल को किसी की हिम्मत ना हो कि हमारे हिंदुस्तान में कोई भी इस तरीके से दाखिल। मोहब्बत जो है देश के प्रति कोई मजहब और कोई दीन नहीं होता है, हम इंडिया के सिटीजन है, हमारे लिए वही सबसे बड़ी चीज है। और हर धर्म में ये चीज है कि अपने वतन से मोहब्बत जरूर करिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म आपका वही है जी। तो कि आज मुझे सचिन जो है सेट दे रहे हैं, आज मुझे सचिन ये दे रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि कितना ये इसको पैसा मिल रहा होगा, क्या जो भी यूट्यूब से मिल रहा है, रील से मिल रहा है, या जैसे अभी आपने बताया कुछ रिपोर्टर्स जाते हैं बेचारे उनको इंटरव्यू देने के लिए ये पैसा ले रही है। तो एक चीज तो साफ हो गई कि ये पैसे से इस महिला को तो बहुत प्यार है, ठीक है। दूसरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज, जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे मुझे ये लगता है कि एक बार बॉम्बई में जो हुआ उसको एक बार सब रिकग्नाइज कर लें, क्योंकि हमेशा ना जरूरी नहीं होता है कि हम खुद गलती करें तभी सीखें, कभी कभार दूसरों को देख के भी बंदा सीखता है और इंसान को सीख मिलती है कि आगे क्या गलत है और क्या नहीं गलत है। आज कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। तो आप बताइए, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका छोड़िए, जो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं उनका छोड़िए, पूरा का पूरा हिंदुस्तान उस चपेट में आएगा। और आज सरकार की चुप्पी मुझे तो नहीं हजम हो रही है कि इस महिला को लेके क्यों चुप है, ये महिला कहां से उठ के आ गई, कैसे हमारे भारत में एंटर, खुद तो आई हुई, बच्चों को भी लेके आ गई। पहले सब बहुत ड्रामा हुआ कि इनके हस्बैंड जो थे गुलाम हैदर, वो भी कि हाँ मेरी बीवी मेरा बच्चा, और आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे वो भी चुप बैठा है, क्योंकि ये मुझे लगता है सारा का सारा ना कुछ एक प्लान है, कुछ एजेंडा है जो अभी हम लोगों को दिख नहीं रहा और लोग देखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर हम सारे एक हो जाएं एक सही चीज के पीछे, इस टाइम आप ये मत देखिए कि कोई सनातनी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई, नहीं, इस टाइम पे अगर हम सब ये देखें कि हम सब एक हिंदुस्तानी हैं, हमने बचपन में भी पढ़ा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो एक बार ये हमें याद कर लेना चाहिए और अपने भारत के लिए खड़ा होना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे कोई आता है और रह जाता है। आप एक बात बताइए, क्या आप हमारे इंडिया से ये जो कई लोग गए, अंजू गई फिर वो वापस आई, कितने लोगों को हिम्मत मिलती है। और अभी आप बांग्लादेश से उठा लीजिए, जो सानिया जो आई, सोनिया जो आई, आज भी वो हिंदुस्तान में है। तो मतलब ये क्या मजाक है, आप पूरी अपडेटेड है? यस अपडेटेड, बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन्वॉल्व ना, क्योंकि मैं एक मीडिया पैनलिस्ट हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे मेरे हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है। सिर्फ देखिए कहने से कुछ नहीं होता, आपको खुद ही पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। वो आई बांग्लादेश से, वो रह रही है यहाँ, उसी के घर में रह रही है। आप बताइए, जो उनकी लीगल वाइफ है उनके साथ ये अन्याय नहीं है? उनके साथ ये अन्याय नहीं है? आप लोग क्यों नहीं एक हो रहे हैं कि इस तरीके के भद्दे मजाक कोई भी हमारे भारत में घुस के रहने लगेगा और हम ये कह के चुप हो जाएंगे कि बाहर का मसला है? तो ये नहीं हो सकता बॉस, हम हिंदुस्तानी हैं और मुझे गर्व है इस चीज का कि हम लोग सब एक अगर हो जाएं तो हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। और सीमा हैदर हो या सोनिया हो या कोई भी हो, कोई भी घुसपैठी अगर हिंदुस्तान में इस तरीके से घुस के रह रहा है, तो उसकी जांच हो और हमारे सामने आए। और एक चीज मैं आपको ये बता दूं, झूठ कितना ही फैला हो, झूठ का कितना ही अंधेरा हो, सच की रोशनी अलग होती है, आज नहीं तो कल जलेगी जरूर। ये हमारे हमारी श्रद्धा के साथ, हमारे दीन के साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारे मजहब का मजाक बना रही है।
लेकिन आज ना लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। जो मुझे और आपको दिख रहा है वो शायद लोगों को दिख नहीं रहा है कि कैसे कोई इनलीगल तरीके से हमारे इंडिया में घुस गया। एक चीज वो घुस गया, उसके बाद वो हमारे पूरे इंडिया की भाभी बन गई। और समटाइम्स शी वेरी प्राउडली से, हाँ मैं भाभी हूँ, मैं आपकी भाभी हूँ। तो ये चीज कहीं ना कहीं इस चीज समझने की जरूरत है जो हमारे देश के लोग हैं, सिटीजन्स हैं। देखिए अभी एज अ इंडियन सिटीजन मैं ये जब से ये आई है, मे बी 7 मंथ हो गया इसको एंटर हुए हुए इंडिया में, 6 to 7 मंथ हो गया है। 7 महीने से मैं इसी चीज का वेट कर रही हूँ कि कब हमारी सरकार जागेगी। अभी तक वो जागी नहीं है। आप ये देखिए, छोटे छोटे मुद्दों और मसलों पे ईडी आ रही है, कोई भी जांच एजेंसी खड़ी हो जा रही है, कहीं पे कुछ भी दिखा दे रहे हैं। तो ये सीमा हैदर जो कि अपने आप को बताती है कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ और पबजी खेलते हुए प्यार मोहब्बत हो गया और पबजी के सहारे ये आ गई इंडिया में, तो पहली चीज तो सरकार को ये जानना, सरकार को तो ये देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा इन्होंने पबजी खेला कि डायरेक्ट इतनी ऐसी सेटिंग इनकी होगी कि इनको नेपाल के सहारे अंदर आते हुए किसी ने रोका नहीं। दूसरी चीज ये अभी तक कैसे इंडिया के अंदर एकदम बैठी है, इंडिया की रील्स बना रही है, हमारे हिंदुस्तान से इनको पैसा कमाई में भी आ रहा है। अभी मैंने इनके लेटेस्ट कुछ वीडियोस देखे थे जिन्होंने इन्होंने खुद बताया कि मेरी पेमेंट आई है, मेरा पेमेंट आया है। तो ये हमारी सरकार का जागने का वक्त है कि किस तरीके से पाकिस्तान से महिला हमारे हिंदुस्तान के अंदर एंटर करके बैठी हुई है, जिनका आज तक बस हम यही सुनते आ रहे जांच हो रही है, जांच हो रही है। किसी भी जांच का साक्ष्य आपने, क्योंकि एज अ देखिए इंडियन सिटीजन मेरा हक बनता है ये जानने का कि किस तरीके की जांच हो रही है, क्या हो रहा है। कुछ तो इस तरीके की कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि हमें पता चले कि इतना जो मजाक बना दिया है इन्होंने, इस महिला ने हमारे देश की सिक्योरिटी का, तो वो चीज कैसे और कब तक, कहां तक पहुंची है। दूसरी चीज, आप आ रही हैं, फोन यूज कर रही हैं, बेधड़ल्ले आप लोगों से मिल रही हैं और कुछ भी बातें कर रही हैं, अभी तक ये नहीं पता कि वो फोन से किससे बात कर रही है, कहां बात कर रही है। जैसा कि आपने भी बोला कसाब का, तो वो बहुत ही दर्दनाक, जो आज भी अगर उसके बारे में आप सिर्फ सोच लें, कहना तो बहुत दूर की बात है, आप सिर्फ सोच लें तो रूह कांप उठती है कि किस तरीके से वो जो मुंबई में हुआ था उसमें जितने लोग इफेक्ट हुए, उनकी फैमिलीज और जिन जिन लोगों ने अपनी जानें खोई, खत्म हो गए, उनके बारे में अगर हम सिर्फ सोचते हैं ना तो हमारी रूह कांप उठती है। अब ये महिला, आप एक बात सोचिए, ये महिला है तो अभी तक जांच का कोई भी साक्ष्य या कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया। इन केस यहाँ पे कोई मेल होता तो पता नहीं अभी तक क्या क्या हो गया होता। तो देखिए, अगर हम ये एजेंडा लेते हैं ना कि इक्वालिटी, तो हर चीज में इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर सक्सेस में इक्वालिटी है तो इक्वालिटी सेम है, अगर कुछ भी इनलीगल लीगल है तो उसमें भी इक्वालिटी सेम है। आप इस प्रशासन जगे, वो देखे कि ये कैसे महिला आ गई हमारे हिंदुस्तान के अंदर, बकायदा फोन यूज कर रही है, रील्स बना रही है, यूट्यूब पे चैनल बना रही है, हमारे हिंदुस्तान से उसको पैसा मिल रहा है, वो कमा भी रही है और 2-4 मंत्रों को याद करने से वो खुद को सनातनी बता रही है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ और मैं अपने हर धर्म की नॉलेज रखती हूँ, क्योंकि मैं एक मुसलमान होने से पहले हिंदुस्तानी भी हूँ, तो मुझे की सारे जो हमारे जो मजहब हैं उनकी बहुत अच्छी नॉलेज है। तो मेरे कुछ भी बोल देने से मेरा धर्म नहीं ऐसे बदल जाएगा जब तक मैं उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी, अच्छे से समझूंगी नहीं, देखूंगी नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये औरत सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही है, इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सिर्फ ये मान के नहीं कि ये प्यार मोहब्बत में आ गई और इनका स्वागत हो रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान की भाभी बन गई। तो मुझे लगता है सरकार को जागना चाहिए, और जब हर जगह में जांच एजेंसियां खड़ी हो जाती हैं तो फिर 7 महीने का वेट क्यों, क्यों नहीं तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, आप क्यों नहीं देख रहे हैं कि ये कहां से आई, कैसे आई, और इतनी बड़ी चूक हमारे भारत में कैसे हो गई। हमारी सिक्योरिटी है, हमारे जो जवान है दिन रात एक कर देते हैं हमारे हिंदुस्तान की सेफ्टी के लिए, उसको तोड़ के, उसका मजाक बना के ये आई तो, और ऊपर से इंजॉय कर रही है। तब द वर्स्ट पार्ट इज कि शी एंजॉयिंग हियर,
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये किस तरीके से, कौन सा ऐसा पबजी था इनके पास जो खेलती 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 यहाँ। देखिए पहले तो ये जो इनकी वीडियोस हैं, जो ये पल में आरती और पल में डांस ये सारी चीजें वीडियोस अपलोड करती है, तो इनके लिए तो एक कहावत है जो हमने बचपन में पढ़ी है, मे बी आपको भी याद होगा, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग सब इस बात से इत्तफाक करेंगे। दूसरी चीज, आपने एक चीज ध्यान देखी होगी ध्यान से कि जब इनसे आरती बोला करो तो इन्होंने आरती भी उल्टी करी, और दो चार मंत्र को, यस दो चार मंत्रों को याद कर लेने से कोई भी सनातनी नहीं हो जाता, ठीक है। देखिए मतलब जो होता है, जो हमारा धर्म दीन और ये सारी चीजें हैं, वो हमारी श्रद्धा है, उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से ये इस्तेमाल करके पल में आरती कर रही है, सेकंड उसी साड़ी में आपने देखा जिस तरीके से ये डांस कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में भाइयों को समझना चाहिए, मैंने हर भाई बहन को समझना चाहिए कि ये मजाक बना रही है। तो ये चीज हमारी सरकार को जाग के देखनी चाहिए कि इस तरीके की जो चीजें वो कर रही है, कहीं ना कहीं वो हमारी सरकार के लिए भी सवाल उठाने वाला और बिल्कुल है कि कोई बाहर से आया हुआ और अब ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो गॉडफादर बन के रोजगार दे रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, ये जब पहले आई थी, ये भी जैसे अभी मैंने बोला और आपने भी बोला कि ये क्या थी और अब ये क्या हो गई है, और रिसेंटली आई सॉ हर ट्रेडमिल वाला वीडियो भी कि मैं अब इस पे एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, और मैडम के जो है सारे एक्सपेंस भी डिफरेंट हो गए, सारी चीजें भी डिफरेंट हो गई, अपना कमरा दिखाया हमने, बनवाया है हमने, ये क्या वो किया है, कि इसके पास ऐसा कौन सा सपोर्ट है जो अभी तक सामने निकल के नहीं आया है। क्योंकि अभी तक तो अगर मुझे लगता है कोई और आ गया होता या कोई चला गया होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो ये तो चीजें हमारे सरकार को, हमारे प्रशासन को देखनी चाहिए कि ये क्यों नहीं अभी तक इन सब चीजों को इनिशिएट किया जा रहा है और इसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि इस तरीके को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो कल को किसी की भी हिम्मत पड़ जाएगी, कोई भी आएगा अपने बच्चों को लेके, भाई वो रोएगा गाएगा, बच्चों का सहारा लेके हिंदुस्तान में आके रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, और गलत को जो भी सपोर्ट कर रहे हैं आज, जिनको लग रहा है कि वो एक मुस्लिम होके सनातनी बन गई है, आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी, आप एक बार ये देखिए कि वो महिला किस तरीके से सबको बेवकूफ बना रही है, किस तरीके से हमारे धर्म की बेइज्जती कर रही है। क्योंकि देखिए हमारा जो श्रद्धा, हमारा धर्म, हमारी श्रद्धा है, वो उसका मजाक उड़ा रही है। आप एक बार ये मत सोचिए कि एक मुसलमान हिंदू बन गया है और आप उसको वाहवाही दें, एक बार आप ये सोचिए कि किस तरीके से वो महिला इनलीगल हमारे हिंदुस्तान की सरहद के अंदर आई, और आई तो आई, रही रही तो रही, हमारे ही हिंदुस्तान का उसको पैसा मिल रहा है, हमारे हिंदुस्तान में वो लोगों को बता रही मैं रोजगार दे रही हूँ, कि ब्रांड एम्बेसडर बन गई है हिंदुस्तान की, जो वो सबको यही सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा और दिख नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही अफसोस फील होता है इस चीज से कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों को क्या हो गया है जो इस तरीके की चीजों को अप्रिशिएट कर रहा है, उनको ये नहीं दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये खतरा हो सकता है। पहले ही हमारा देश एक बार बहुत बड़े खतरे को भुगत चुका है, झेल चुका है, अब उसके बाद भी अगर हम अपने आंखें बंद कर लें तो ये बहुत अफसोस है। और इसका मुझे लगता है कि लोगों को खुद सोचना चाहिए कि इन सब चीजों को देख